गुड फ्रेंड्स, आज हम हमारे जीके फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास विषय के अंदर जानेंगे इस वर्ष के अंदर जो संघर्ष संबंधी प्रक्रिया है वो कौन कौन सी है, यानी कि इस अवस्था में किशोर किशोरियों को अपने जीवन में किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां उनके सामने उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण उनको समस्या या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे संघर्ष की स्थिति आ जाती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, संघर्ष और तूफान की अवस्था ही किशोर अवस्था है, जिसमें काफी कुछ ऐसा बदलाव और चेंजेस स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसमें किशोर किशोर के सामने संघर्ष की स्थिति आ जाती है। तो उसी को समझते हुए कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, सबसे पहला सामाजिक व्यवस्था, संबंधी संघर्ष, सामाजिक व्यवस्था संबंधी संघर्ष। ठीक है, समाज की कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जो हमको अपनानी होती है, जो परंपरागत तौर पर चली आ रही है, जो हमारा एक हिस्सा है और जिससे हमारी एक पहचान है। ठीक है, वो हम सबको देखना होता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जो किशोर किशोरियों को पसंद नहीं आती, तो उस सिचुएशन में उनको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अब शादी ब्याह जैसी चीज होती है जहाँ परिवार माता पिता चाहते हैं वहीं होती है, लेकिन इससे विपरीत अगर जाने का प्रयास करते हैं तो समाज और परिवार का आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों से क्या होता है, ऐसी शादी व्यवस्था से उनको संघर्ष झेलना पड़ता है, क्योंकि इनके सामने परिस्थितियां उत्पन्न होती है, यानी कि इस अवस्था के अंतर्गत ऐसी सिचुएशन में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है जो उनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो रीति रिवाज बात होते हैं उनको अपनाना होता है। इस तरह से संघर्ष की स्थिति आ जाती है। फिर सेकेंड आ जाता है सामाजिक परंपराओं, सामाजिक सामाजिक परंपराओं संबंधी संघर्ष। ठीक है, समाज की कुछ परंपराएं होती है, कुछ मान्यता होती है, उन परंपराओं और मान्यताओं को मानना आवश्यक होता है। ठीक है, तो समाज की कुछ परंपराएं, ठीक है, लेकिन ऐसी परंपराएं होता है उनको वो पसंद नहीं आए, ऐसे रीति रिवाज पसंद नहीं आए, तो इस स्थिति में किशोर किशोरियों को संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को इन परंपराओं इन मान्यताओं को अपनाने के लिए तैयार नहीं पाते। फिर अगला है आत्मसम्मान संबंधी संघर्ष, आत्मसम्मान संबंधी संघर्ष, सेल्फ रेस्पेक्ट। हर इंसान अपने जीवन में कुछ कार्य करता है या किसी ऐसे अचीवमेंट को प्राप्त करता है जो उससे वो चाहता है, उसको जीवन में रेस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले, तो हर वो नागरिक जो जिस समाज का हिस्सा है जहाँ रहता है वहाँ उसके द्वारा किए गए कार्य को सम्मान प्राप्त होना चाहिए। तो यही किशोर किशोरी के लिए वो चाहते हैं कि उसको जीवन में जब वो कुछ ऐसा कार्य करे वो सम्मान मिले, अगर उनको वहाँ सम्मान नहीं मिलाता है तो उनकी जो मनोदशा है वो वहाँ पर टूट जाती है और वो खुद को आत्मसम्मान नहीं कर पाते। तो इस स्थिति में ये कहेंगे कि आत्मसम्मान की प्रक्रिया के फलस्वरूप हर किशोर किशोरी अपने आप को आत्मसम्मानित करना चाहता है, लेकिन अगर समाज और जो परिवार है या वातावरण है वहां से उनको सही माहौल या एनवायरमेंट नहीं मिलता है या सही मानसिक को मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आत्मसम्मान संबंधी संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। अगला है सामाजिक दायित्व संबंधी संघर्ष, सामाजिक दायित्व, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना,
समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना हम सबका या हम परिवार राष्ट्र जहाँ रहते हैं उसके जिम्मेदारी का हम सबका दायित्व होता है। ठीक है, लेकिन समय के हिसाब से परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, सोच में परिवर्तन आता है और नई सोच के हिसाब से चलना सभी चलते हैं। तो किशोर किशोर की सोच होती है वो नई होती है, वैज्ञानिक होती है और समाज और परिवार की सोच हमेशा परंपरागत रहती है या ऐसे कह हम भी कह सकते हैं कि वो अभी भी पुरानी परंपराओं को मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज की उस दायित्व के संबंध में संघर्ष का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी सोच नवीन होती है और वो नवीन सोच उस सोच के साथ मेल नहीं कर पाती। विद्यालय की कई बार ऐसी व्यवस्था रहती है उन व्यवस्थाओं संबंधी
महत्वाकांक्षा कम से कम चाहते हैं विद्यार्थियों को उपस्थितियां मिले खेल संबंधी या उनको आगे आने के अवसर उपस्थितियां मिले, लेकिन अगर वहां पर नहीं मिल पाती है और जो करना चाहता है वो करने का मौका नहीं मिल पाता है तो इसके संदर्भ में क्या संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह का जाना किशोर अवस्था के अंदर संघर्ष कठिनाइयां कौन कौन सी है जिनका किशोर किशोरियों को सामना करना पड़ता है। अब इतना समझने के बाद इसके रिगार्डिंग अब आपको होमवर्क है, और जिसके रक्षण अवश्य लगवाएं। थैंक यू।